हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू वीडियो में। आज की बताने वाली हूँ वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपके में वाईफाई काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, नेट नहीं चल रहा आपका, मतलब हैंग हो रहा है आपका फ़ोन, तो उसको कैसे, उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, आज का टॉपिक यही है। और फ्रेंड्स, मेरे पास है वीवो Y51। और फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है, और सेटिंग पे जाने तो आपको उसके घंटे फेस आएगा। उसके बाद आपको ऊपर की साइड, नीचे स्क्रॉल, सॉरी फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आपको दिखता है वाईफाई, आप उस पर क्लिक करेंगी और इसके बाद आपको इस चेक इंटरफेस आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हैंग कर रहा है या फिर नेट नहीं चल रहा है, देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपका इस पर क्लिक करते हैं, पासवर्ड मांगता है आपका, तो आपको नेट नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के नेट कनेक्ट करते हैं या फिर फॉरगेट करके। तो फ्रेंड्स, मेरे में अभी नेट सही चल रहा है, देख सकते हैं कि मेरे में सब कुछ सही है। अगर आपके में सही नहीं है तो फॉरगेट कर सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पर, फॉरगेट नेटवर्क, आप इस पर क्लिक करती है आपका फॉरगेट हो जाएगा, देख सकते हैं। मैं फॉरगेट करके बता देती हूँ आपको, ओके पे क्लिक करेंगे इसके बाद, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फॉरगेट हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ वापस से, तो पासवर्ड मांगेगा, यानी कि आप फिर पासवर्ड डालेंगे। और फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ जो भी आपका पासवर्ड है, वो टाइप करेंगे। और फ्रेंड्स, ये 8 डिजिट से ज़्यादा का होता है या फिर मतलब कि 8 ही डिजिट का, तो फ्रेंड्स उससे ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा, 8 से नीचे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सबको डालने के बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, तब जाके आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं कनेक्टिंग आ रहा है ऑप्शन, तब ये कनेक्ट होने जा रहा है मेरा नेट। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा लॉगिंग होने में टाइम लगेगा। अगर फ्रेंड्स आप मतलब कि अगर आपका इससे भी नहीं होता है तो और क्या करें वो भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी होने में थोड़ा टाइम हो रहा है, ये ओके पे क्लिक करेंगे इसके बाद, तो आपका फिर से, आपने शायद से पासवर्ड कर डाला हो, तो आप दोबारा डालेंगे सही से। फ्रेंड्स, अगर आपको सही डाला हो तभी आपका कनेक्ट हो पाएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं वो हो चुका है, यस का निशान आ चुका है, यानी कि आपका ये नेट कनेक्ट हो चुका है। तो हम नेट को ओपन करेंगे यूट्यूब को, देख सकते हैं नेट आ चुका है इधर। और फ्रेंड्स, मैं तो आपको बता ही नहीं कि इधर नेटवर्क नहीं था या है, आपको कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ से ऑफ करके, फॉरगेट करके दोबारा बता दूंगी, या फिर तो फ्रेंड्स उसको इसी प्रकार से नेट लेके आते हैं। अगर आपका नेट अभी भी काम नहीं कर रहा है या फिर हैंग कर रहा है, क्लिक ही नहीं हो रहा वाईफाई पे, तो उसके लिए आपका फिर से सेटिंग पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपका वाईफाई पे क्लिक करना है फिर से, और यहीं पे आपको दिख जाएगा रीसेट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगी तो आपका रीसेट हो जाएगा। और इसके बाद आपको फिर से रीसेट पर क्लिक करना है, तो आपका रीसेट हो जाएगा, मतलब कि दोबारा से नेटवर्क रीसेट हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको दोबारा नेटवर्क डालना होगा, उसमें रीसेट पर क्लिक करेंगे तो आपका रीसेट हो जाएगा, देख सकते हैं ये रिसेट हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये अब आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। और फ्रेंड्स, नॉर्मल सा ये रिसेट का ऑप्शन होता है इसमें। और फ्रेंड्स, किसी किसी का तो, या फिर आपका एडिशनल सेटिंग्स, मोर सेटिंग में भी होता है, तो हम सिस्टम पे जाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स बैक हो गए थे गलती से, तो हम सिस्टम पे जाते हैं, यहाँ पे सिस्टम नहीं है शायद से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिस्टम में होता है, तो सिस्टम शायद भारी हो या फिर एक्सेसिबिलिटी में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे फ़ोन का नाम लिखकर कमेंट में भेज सकते हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा है इस फ़ोन का, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और फ्रेंड्स, कृपया करके आप फ़ोन का नाम लिखना ना भूलें मुझसे, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा आपको किस फ़ोन का बताना है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अभी नहीं मिल रहा है, तो फ्रेंड्स मेरा ऊपर ही था वाईफाई कॉलिंग में, तो आपका कहीं और हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आप सीख चुके किस प्रकार से वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप रीसेट कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपका रीसेट का ऑप्शन शायद इसमें हो और भी, तो फ्रेंड्स उस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे सिस्टम अपडेट अगर यहाँ मिल जाता है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अभी नहीं मिल रहा है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे को मिल जाता है तो मैं आपको बता दिया करूँगी। और फ्रेंड्स, उसको रीसेट का मतलब होता है कि आपका रीसेट, यानी कि दोबारा से नया हो जाएगा वाईफाई, और आपका वाईफाई सही से वर्क करेगा, रुक रुक के नहीं चलेगा और ना ही प्रॉब्लम आएगी। तो उसका यू मतलब इसी प्रकार से वाईफाई कॉलिंग को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आपका उससे तब भी नहीं होता, मतलब कि, तो आपको वो करना होगा ऐप रीसेट, यानी कि ऑल डेटा रीसेट। तो फ्रेंड्स, उसे तो 1 महीने बाद या फिर 1 महीने से पहले करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको उसकी वीडियो जाननी है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, मैंने बना रखी है उसके ऊपर। और फ्रेंड्स प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।